अपने कंधे पर पल्ला उधर लेकर और एम्पायर ने प्ले ऑन का इशारा कर दिया। घूमा दौर में गेंद को लेकर हल्के कदमों से इस गेंद को थ्रो किया और बैट्समैन ने इस गेंद को जाने दिया और एक बस दो इस गेंद को सम्मान दिया। देखना चाहते हैं कि पीठ में उछाल है कि गेंद नीचे रह रही है, क्या हो रहा है, सही आते हो राम प्रभा की दूसरी गेंद वाले कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता तो भी कीपर गेंद लेकर बड़े हल्के कदमों से गेंद को फेंका और बैट को पकड़ कर किया और हाना की स्थिति में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग राम प्रसाद ने इस गेंद को फेंका और धोनी ने इस गेंद को सम्मान दे दिया। सम्मान देने वाली गेंदों को सम्मान देने वाला बैट्समैन अच्छे बैट्समैन कहलाते हैं। ऐसे तो राज बैटिंग के लिए धोना लेकर दौड़े इस गेंद को और इस गेंद को राम प्रसाद ने सीधा पॉइंट को खेल दिया और अंपायर का लेने का इंतजार करेंगे। चार रन यहाँ पे अंपायर ने दे दिया है और पॉइंट पे सीधा इस गेंद को छेद दिया। गोलियों की तरह इस गेंद को छेदा है झूला ने चार रनों के लिए। लास्ट गेंद पर चौका यह है, खाता खुला है सात तीन सात चार रनों से। एक ओवर की समाप्ति पर चार रन यहाँ पर गेंद को अभिनंदन को कट कर दिया है और निशान पांडे के हाथों तो सेफ गेंद में गया है। लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, भाग्यशाली रहे और ये गेंद लेकर अभिमन आए हैं और इस गेंद को उठा दिया है अभय ने। इस गेंद को उठा दिया है चार रनों के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अभय। उनके हाथों से खेला और दोनों बल्लेबाज देखना पड़ेगा सीधे चार रन। जमीन को चुनती हुई गेंद करारा शॉट चार रन। ये बहुत ही सुंदर गेंद तीखी बाउंसर कान के पास गेंद फिर से खेलने के चाह पर कोई संपर्क नहीं, बल्ले से कोई संपर्क नहीं। एक और शानदार गेंद, एक और शानदार गेंद उठा दिया है थर्टी आउट के बाद। कोई फील्डर नहीं, बहुत ही बेहतरीन थ्री पॉइंट शूटर को और हाना रन आउट के साथ मैदान में करती है और ये बहुत ही बेहतरीन रन आउट। पूरा टीम खुश, पहला विकेट गिरता हुआ और धोना को जाना होगा पवेलियन की तरफ। हाना ने दूसरा रन के लिए धोना दौड़ पड़े और ये गेंद लेग स्पिन होकर सीधा बैट्समैन के पास आ गई। बैट्समैन है और दूसरी गेंद और अपील जोरदार अपील हुआ है गेंदबाजी टीम द्वारा लेकिन हम शुरुआत इस गेंद को मिस फील्डिंग प्रतीक द्वारा और बारह फीट है अंपायर का निर्णय यहाँ पर हम देखना चाहेंगे और अंपायर ने नकार रहा है। अंपायर को कोई दबाव नहीं दिया जाएगा क्योंकि अंपायर का निर्णय सर्वमान होगा। अंपायर ही वहां पर फील्ड में है जो उन्होंने क्लियरली देखा है कि गेंद कब लगी है बैट्समैन पर। अब बीते लेकर गेंद को हल्की कदमों से और ये फूटा फोर उठा दिया है अभय ने और ये गेंद बहुत ही अच्छी फील्डिंग का टेस्ट किया है वहां पर गेंदबाज ने और गेंद को अंदर ढकेल दिया है। तेल में जैसा फील्डिंग देखते हैं यहाँ पे ऐसी फील्डिंग का मजाना टेस्ट किया है और ये छक्का जो है अंदर से खींच लिया छक्के में से खींच लिया एक रन हुआ है यहाँ पे नाइन लेकिन छोटे उस सब उनको खेलते हैं और इस गेंद को खेल दिया है यहाँ पे जाती है। अमित पंत पदल गेंद की ओर जा रहे हैं और हीरो मोटर की टीम उत्साहित होकर जिस प्रतिम हीरो मोटर की टीम और इस गेंद को सम्मान दिया रोक दिया और उसी के साथ टीपू का पहला ओवर समाप्त हो चुका।
अपना प्लेइंग लिस्ट जमा कर दे लाकर कमेंटेटर बॉक्स में। और सतेंद्र यादव और इस गेंद को अभय ने खेल दिया है, मैक्सिमम सिक्स बाई अभय। बहुत ही लंबा जितने लंबे हैं उसे लंबा उन्होंने। और अगली गेंद खूब उठाया है लेकिन बैट कट। और ये फुल टॉस बॉल लेग साइड में चार रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री। और ये गेंद अभय निराश मन से खड़े होकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये गेंद हमने क्या कर दिया। पॉइंट को आगे रखा था सतेंद्र ने, उनकी एक बहुत नीति थी, चाल जाल बिताया था, जाल में फंसा लिया है भुना को तीन विकेट। बड़ी मछली फंसी है ये बड़ी मछली, अब है बड़ी मछली को अब है। और ये गेंद चकमा देती है अगली गेंद, और ये बल्ला घुमाया, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, सुंदर सोनू के हाथों में गेंद गई और वाइड बॉल। गेंद को खड़ा कर दिया और ये गेंद बाउंड्री पार जाती है, बहुत ही लंबा से थर्ड मैन के ऊपर से ये गेंद। और ये सुंदर शॉट क्लिक किया है सीधे पर, ये एक महान ओवर कप्तान सतेंद्र सिंह के द्वारा। इस्तेमाल कर रहे हैं राइट में, कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, प्रगति तो चल रहा है। और ये उठा दिया है गेंद को, गेंद बहुत ही अच्छा सीट ट्रैकिंग सीट। प्रकाश ने इस गेंद को उठा दिया फुलटस बॉल और सीधा छह रनों के लिए, ट्रैकिंग सिक्स बाय प्रकाश। प्रकाश ने अपना प्रकाश बिखेर दिया है, बैक टू बैक सिक्स। और ये डिफेंसिव मोड में खेल दिया, शॉट पर इसको रोक लिया जाएगा, कोई रन नहीं इस गेंद पे। ओवर की समाप्ति पर, छह ओवर की समाप्ति पर 65 रन, तीन विकेट के नुकसान पर 65 रन, छह ओवर की समाप्ति हो सकती। और ये डाउन पर गेंद वाइड की मांग कर रहे हैं राजेश, अब उन्होंने दूसरा बॉल डाला और सीधा चकमा कट कर दिया है कपिल पांडे के पिछले खाते में, और डायरेक्ट फ्री की यहां संभावना थी, यही पहुंची तो कोई भी राइस नहीं था। प्रकाश अंधकार कर गेंद को उठा दिया है, गेंद में हवा में थी, सब पिच गेंद उठा दिया है सबको बल्ले से। और ये अगली गेंद आपने हिट किया गजनी से सतेंद्र द्वारा ने, मैंने हिट किया सीधा स्टेड में, एंड द बॉल इज गोइंग टू आउट ऑफ बाउंड, मैक्सिमम सिक्स बाय राजेश। और बहुत ही स्लो बॉल बाहर था और टाइमिंग बहुत बाहर, और गेंद को खेल दिया है लेफ्ट साइड में, कल किसी ने स्क्रीन लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। पहली गेंद और राजेश ने उठा दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर, छह रनों के लिए ये गेंद राजेश ने लंबी छक्का। और ये सर्कल वाइड, और ये गेंद आगे पड़ती हुई और गेंद आगे खड़ा कर दिया, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और उसको सतेंद्र इस गेंद को कैच कर लेंगे। राजेश निराशमान से पवेलियन की ओर लौटते हुए बहुत ही अच्छे खेल रहे थे। और ये गेंद उठा दिया है दीपक ने, यहीं पे खड़ा कर दिया गेंद के नीचे, कोई फिक्र नहीं, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरती हुई, टाइट हो सकता था लेकिन लेंदी फील्डिंग यहां पर, तीन छक्के लगा कर खेल रहे क्रिकेट पे। अगली गेंद प्रकाश ने उठा दिया इस गेंद को सीधा अस्तर में, छह रन के लिए चौथा का, प्रकाश ने यहां पर छक्का लगाया,
प्रकाश छक्का लगाते हैं, प्रकाश प्रकाश के बल्ले से चौथा छक्का उनके बल्ले से आती हुई ओवर की समाप्ति पर 95 रन। फंसा लिया है बड़ी मछली को अपने जाल में, और ये पहली गेंद जोर छाकने की कोशिश हो रही है। डॉट बॉल, बहुत ही शानदार गेंद, और ये शानदार गेंद जोरदार अपील हुई है बॉलिंग द्वारा, लेकिन इतारी से कुछ सहमत नहीं। गिली, और ये बॉल, बिजली बहुत ही चकमका गए इस गेंद पर, बहुत ही शानदार बॉल, और यहाँ आने की कोशिश। डॉट बॉल 20 फीट, 8 फीट बहुत तेज है, और 4 रन सनसनाती हुई बॉल। बात कीजिएगा भाई से, ये 4 रन, और ये शॉर्ट पिच बॉल मारने की कोशिश की, वाइड एम्पायर का निर्णय वाइड, और इसी के साथ 100 रन शतक पूरा किया है टीम अपना। फिंगर नीचे, छोटी नीचे है, गेंद ऊपर है, और ये उसी बॉल में टीम को फंसा लिया है अपने जाल में। निराशाजनक आउट होते हुए बिजली, बिजली आए थे और बिजली की तरह गेंद को उठा दिया है लेफ्ट साइड में, और ये बाउंस होती हुई गेंद 4 बाउंसों के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए प्रकाश कराएंगे। और आगे गेम बताएगा कि कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है। अगली गेंद हेलीकॉप्टर शॉट खेला है जमीन के सहारे, 1 रन ही मिल पाएगा। बहुत ही चतुर गेंदबाज है दीपू, नए बैट्समैन आएंगे सोनू स्ट्राइक पे हार्ड हिटर। और इस गेंद को खड़ा कर दिया है सोनू ने, और वहीं फील्डर नीचे आ चुके हैं, और ये कैच गेंद पैरों पर थी, इस गेंद को क्लोज कर दिया है सोनू ने, 1 रन भी मिलेगा इस गेंद पर। प्रकाश आए हैं और ये गेंद वहीं पे मारना चाहता था, लेकिन गेंद पट पर आगे ऑफ साइड में पवन पांडे ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे फील्डर हैं पवन पांडे, जाने लाते हैं 10 ओवरों की समाप्ति पर, एक समय और ये मैचिंग किक बाई प्रकाश हेलीकॉप्टर शॉट, मनु आए और गए पहले गेंद पर था का, और इनाम आया था लहरी और ऑफ साइड में गेंद, अंपायर द्वारा वाइड का इशारा, 16 रनों की जरूरत 11 गेंदों में। अब वो मनु आए और पहले गेंद पर था किए, और प्रकाश ने इस गेंद को लेफ्ट साइड में खेल दिया, मैचिंग किक बाई प्रकाश, और ये हाई स्कूल से पार जाता हुआ, गेंद को भूल जाना ही अच्छा होगा, नया गेंद मंगाया जाए। और प्रकाश 46 रन पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि ये अपना और शतक लगा पाते हैं कि नहीं। प्रकाश ने इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ने के लिए, अगली गेंद है मुन्नू की, और लेफ्ट साइड में खेल दिया है प्रकाश ने, 4 रनों के लिए फील्डर के पास, और इसी के साथ 50 रन पहले ही मैच में प्रकाश ने 50 रन बनाया, और बैट उठाकर आपने 50 रन का दर्शकों को अभिवादन किया। और जरूरत प्रकाश ने खत्म कर दिया समाप्त, और इसी के साथ 7 टीम्स की पहली मैच में पहली जीत, और प्रकाश को मैच मिला था जीवन दान।